हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सिद्धार्थ सिन्हा और ये जो वीडियो है आपका 51% सीआईबी एग्जाम इन 60 डेज के ऊपर हम बात कर रहे हैं कि सीआईबी एग्जाम को कैसे आप 60 दिन में पास कर सकते हैं, इसकी बात कर रहे हैं। देखिए, 60 दिन बहुत समय होता है सीआईबी को पास करने के लिए। अगर आपके माइंड में पहला क्वेश्चन आ रहा है कि 60 दिन सफिशियंट है, तो बहुत है 60 दिन, मतलब मेरा तो मानना है बहुत ज्यादा होता है 60 दिन पास करने के लिए। आप इतने दिन में 3 बार पढ़ सकते हैं, 3 टाइम्स स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। मोटा मोटी 20 दिन भी काफी होता है पढ़ने के लिए, बट ठीक है, 60 दिन है आपके पास, आराम से आप पास कर जाएंगे। इसमें दो चीजें होती हैं खास बात, आपका जो पेपर है सीआईबी में पता ही होगा, एक हो जाता है थ्योरी पोर्शन और दूसरा हो जाता है केस स्टडी पोर्शन। और जो केस स्टडी होने की वजह से ये पेपर टफ हो जाता है। क्या हो जाता है? टफ हो जाता है। इवन आपकी मैकब्लेन बुक में केस स्टडी मिलेगा नहीं, ठीक है। थ्योरी से आप उम्मीद कर सकते हैं कि 60% क्वेश्चन आएगा, केस स्टडी से 40% क्वेश्चन आता है। ये आपको एक कंसेप्चुलाइजेशन में बता रहा हूँ, ठीक है। पर आपको यहाँ पे एक चीज ध्यान देना है कि दोनों को इक्वली वेटेड करके पढ़ाई करना है। ऐसा आप नहीं कर सकते हैं कि इसको कम कर देंगे, उसको ज्यादा कर देंगे, सब पढ़ना होगा। अब मैं समझाऊंगा कैसे पास करेंगे, क्या क्या करेंगे, सारा चीज समझाऊंगा, कितने समय में आप पढ़ लेंगे, क्या कर लेंगे, एवरीथिंग मैं आपको डिस्कस करूंगा, ठीक है। पहला सवाल अगर ये है कि 60 दिन बहुत होते हैं, सर 60 दिन इतना होता है कि आप 3 बार पढ़ लोगे, क्लियर हो गया। मुझे टाइम कितना चाहिए? 1 घंटा 30 मिनट आप दे दीजिए। अगर इतना टाइम है तो आप 100% पास कर जाएंगे सीआईबी, ठीक है। एकदम लिख लीजिए स्टैम्प पेपर पे आप। अब थोड़ा हम लोग चैप्टर्स के ऊपर बात करते हैं, ओके। अब यहां पे देखते हैं क्या चैप्टर्स हैं, क्या नंबर ऑफ यूनिट्स है। यूनिट्स पाइए, ठीक है। तो सबसे पहला चीज क्या है इसके अंदर आपको जो समझना है, करना है, अगर हम बात करें एबीएम, ठीक है, एबीएम मतलब एडवांस बैंक मैनेजमेंट, तो इसमें आपको 33 यूनिट्स है। बीएफएम, इसमें आपको 30 यूनिट्स है। और उसके बाद हो गया आपका रिटेल बैंकिंग, ठीक है, इसमें 22 चैप्टर्स है। चैप्टर्स ज्यादा नहीं है, पर यहां पे आपको जिसको हम बोलते हैं ना केस स्टडी करना होता है, ठीक है, वो यहां भी एप्लीकेबल होगा और वो यहां भी एप्लीकेबल होगा। इसके अलावा आपको एडिशनल रीडिंग मटेरियल पढ़ना होता है, ठीक है, एडिशनल रीडिंग मटेरियल, ये तीनों जगह पढ़ना है आपको, यहां भी, ठीक है। आपको समझ में, अब देखने में लग रहा है बड़ा, तो आपको जो असली चीज देखिए, थ्योरिटिकल में बहुत समय नहीं लगना चाहिए, फिर भी थ्योरिटिकल लंबा चौड़ा है तो थोड़ा समय तो लगेगा, ठीक है, पर आप कर लेंगे आराम से, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। और केस स्टडी और उसके बाद आपको एडिशनल मटेरियल पढ़ना है। सबसे पहले हम लोग जो काम होगा, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जिसको हम लोग थ्योरी बोलते हैं, थ्योरी हम लोग सबसे पहले, सारा थ्योरी पोर्शन है, ये थ्योरी पूरा कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम लोग केस स्टडी करेंगे और उसके बाद हम लोग एडिशनल रीडिंग मटेरियल पढ़ेंगे। आया लॉजिक समझ में? चलिए, वेरी गुड। अब मैं बात करूंगा कैसे पढ़ना है। यहां पे आपको ऐसे दिखेगा day 1, day 2, day 3 और डे रहेंगे। यहां हो गया आपका एबीएम, बीएफएम, रिटेल, ठीक है। एबीएम में मान लीजिए कि आप पहला दिन का पढ़ाई कर रहे हैं, अभी आपको सिर्फ थ्योरी पढ़ना है, यूनिट 1 पढ़ेंगे, फिर इसका भी यूनिट 1 पढ़ेंगे और इसका भी यूनिट 1 पढ़ेंगे। अब देखना यह होता है कि अगर वो बहुत बड़ा यूनिट है, ठीक है, तो हो सकता है 1 दिन में नहीं खत्म हो सकता है कि 2 दिन लग जाए, कहीं कहीं हो सकता है कि 3 दिन भी लग जाएगा आपको, ठीक है, ओके। तो एक मैं एग्जाम्पल आपको बता, जो day 1 बन के बना हुआ होगा उतना ही पढ़ना है आपको, ठीक है। इसको पढ़ने मान लीजिए कि 1 घंटा 30 मिनट आपको लग गया, उदाहरण बता रहे, सिर्फ वीडियो सुनना आपको, फिर भी आपको समय बच रहा है, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल मैं बताता हूँ, जैसे क्लर्क भाई हैं, ठीक है, जो क्लर्क है मान लीजिए कोई 5 बजे आता होगा, कोई 6 बजे आता होगा, कोई 6:30 बजे पक्का आ जाता होगा। अब मान लीजिए आप क्लर्क के कैडर में है, आपको समय तो खूब मिल रहा है, आप चाहेंगे तो रात को 3 घंटा आराम से निकाल लेंगे इवनिंग टाइम पे, और चाहेंगे तो मॉर्निंग में भी आप 3 घंटा निकाल सकते हो। सुबह उठ गया 6 बजे, 6 से 9 जो टाइम मिला पढ़ सकते हैं। कहने का मतलब मेरा ये है
कि आपके पास बहुत समय है, 6-6 घंटा है, ठीक है। मान लीजिए कि आप 3 ही घंटा देते हैं, ठीक है, और जो मान लीजिए ऑफिसर होगा थोड़ा सा उसको समय ज्यादा लगता है, 7 बजे आएगा, 8 बजे आएगा या 9 बजे आ ही जाएगा, ठीक है। जो 7 बजे आएगा तो भी रात को 2 घंटा पढ़ सकता है, 8 बजे आएगा वो भी 1 घंटा पढ़ सकता है, 9 बजे वाला भी चाहेगा तो 1 घंटा पढ़ सकता है, ठीक है। नहीं तो सुबह उठिए, मॉर्निंग में उठ के आप मतलब आप मान लीजिए कि 6 बजे से आप 9 बजे पढ़ सकते हैं, 3 घंटा तो यहाँ आपके पास भी समय है। सर कष्ट तो करना पड़ेगा, बिना कष्ट के कोई फायदा नहीं है। आप जब फॉर्म भरेंगे या फॉर्म भरे या नहीं भरे, आपने से पहले अगर एग्जाम दिया है तो IIBF अटेम्प्ट काउंट कर लेगा आपको, और फॉर्म भरा है तो तैयारी अच्छे से करिए कि पास कर ही जाए, ठीक है। अब मान लीजिए कि मैंने बताया 1.5 घंटा आपको समय लगा, फिर भी 1.5 घंटा बच रहा है, जहां मान लीजिए आपको 3 घंटा का समय निकल पा रहा है तो और 1.5 घंटा है, 1 घंटा 30 मिनट और है, ठीक है। तो और पढ़ लीजिए आप, अब मान लीजिए जो भी डे 2 का होगा वो आप डे 2 पढ़िए, ठीक है। मान लीजिए कि यहाँ पे यूनिट 2 पढ़ाई हो रही है तो यूनिट 2 पढ़ ले, यहाँ पे अगर यूनिट 2 पढ़ाई हो रही है तो यूनिट 2 पढ़ ले, ठीक है, यहाँ पे यूनिट 2 पढ़ाई हो रही है तो यूनिट 2 पढ़ ले, और समय मिल रहा है तो और 1 घंटा 30 मिनट आपको मिला और पढ़ लीजिए, कौन मना किया। पढ़ाई जितना ज्यादा करोगे उतना अच्छी बात है, यूनिट 1 पढ़ लीजिए, फिर यहाँ भी पढ़ लीजिए और यहाँ भी पढ़ लीजिए, ठीक है। तो मैं सब एग्जाम्पल आपको समझाने का तरीका बताया, समय निकालना पड़ेगा, समय नहीं निकालोगे तो कोई फायदा नहीं है, लास्ट में है तोबा मचाने से कुछ नहीं मिलने वाला, शुरू से पढ़िए हो जाएगा, अभी बहुत समय आपके पास है, दिल छोटा नहीं करिए, बहुत समय है, हंसते खेलते पास कर जाएगा, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले ये सब हो गया, पहले थ्योरी पढ़ लेना आपको, फिर केस स्टडी पढ़ेंगे, फिर एडिशनल रीडिंग मटेरियल पढ़ेंगे, ये भी मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है। सबसे पहले थ्योरी, फिर आपको लिख देता हूं मैं, सबसे पहले हो गया थ्योरी पढ़ेंगे, फिर केस स्टडी, फिर आ जाएगा एडिशनल रीडिंग मटेरियल, ये तीनों काम आपको पढ़ना होगा, ओके। ये स्टेप 1 है, ये 2 है, ये 3 हो गया आपका, ठीक है। अब मैं बात करूंगा 100% की आप कैसे पास कर जाएंगे CIB का एग्जाम, ठीक है। 100% मैं बता रहा हूं पास कर जाएंगे CIB का। सवाल होता है कैसे, कैसे पास कर जाएंगे, मैं समझाऊंगा, विथ गारंटीड आप पास करेंगे, चाहे दिमाग में मत लगाइए, एकदम गारंटी के साथ आप पास करेंगे अगर मेरा बात मान रहे तो। स्टेप 1, गो थ्रू वीडियोस, जितनी वीडियोस है आप सारा देख लो। स्टेप 2, प्रिपेयर ऑन नोट्स, अपना खुद का नोट्स बनाओ। देखो यार, जो भी मैं बोर्ड पे पढ़ाऊंगा आपको, जो भी मैं बोर्ड पे पढ़ाऊंगा, जो चीज लिखा हुआ है उसको कॉपी में उतार लीजिए, चाहे फुल स्टॉप हो, कोमा हो, कुछ भी हो, प्लीज उतार लें कॉपी में, ठीक है, बहुत जरूरी है, नहीं उतारेंगे तो कैसे होगा। केस स्टडी जो पढ़ाऊंगा प्लीज उतार लीजिएगा, उसके बाद फिर आप देखिएगा मैं कैसे बना रहा हूं, आप फिर देखिएगा किस तरीके से सॉल्व हो रहा है। स्टेप 3, ठीक है, डू ए रेगुलर रिविजन, रेगुलर रिविजन करना अनिवार्य है, ठीक है। आप हमेशा एक रेगुलर रिविजन का हैबिट बनाइए और करिए, ये अगर आप करिएगा तो ही नैया पार होगा, क्योंकि रिविजन नहीं करेंगे तो कोई फायदा नहीं है, ठीक है। स्टेप 4, क्योंकि हमें क्या करना है, क्वालिटी स्टडी करना है, जब क्वालिटी स्टडी करेंगे तभी हो सकता है जब आप रिविजन करेंगे, बिना रिविजन के कुछ नहीं होने वाला। स्टेप 4, स्टेप 4 क्या होगा आपका, ठीक है, स्टेप 4 हो जाएगा आपका क्वेश्चन बैंक को जरूर देख लीजिएगा एक बार, बहुत जरूरी है कि क्वेश्चन बैंक आप एक बार गो थ्रू कर लें, कि क्वेश्चन बैंक से मेरा यह मानना है कि 10% से 15% का क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ठीक है। और जो मैं आपको केस स्टडी पढ़ाऊंगा ना, वैसे ही केस स्टडी आएगा, खाली डेटा चेंज रहता है, उतना तो आपको करने आना चाहिए, डेटा चेंज जो रहेगा, ठीक है। ओके, आपको जो प्रोग्राम करना है या जो कोर्स करना है उसका नाम है Face-to-Face वीडियो कोर्स, ये खुद में बहुत पावरफुल कोर्स है, ठीक है। इसमें क्या होता है, मैं जैसे आपके सामने खड़ा हूं, बता रहा हूं, बोल रहा हूं, बिल्कुल ऐसे ही रहेगा, आपको बोर्ड के सामने सब कुछ पढ़ाया जाएगा, बताया जाएगा, बोला जाएगा, एकदम इजी लगेगा, लॉलीपॉप की तरह लगेगा कि मैं पढ़ा रहा हूं और आपको बता रहा हूं, ठीक है।
इसमें क्या क्या चीज रहेगा आपको, रहेगा वीडियो लेक्चर कोर्सेस, फिर दूसरा रहेगा आपको क्या रहेगा इसमें, आपको केस स्टडी का वीडियो रहेगा, फिर आपको क्वेश्चन बैंक होगा 2000 पर पेपर, मल्टीप्लाई बाय 3 कर लीजिए। अच्छा, इसमें क्वेश्चन बैंक दो प्रकार का है, एक है प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर का मतलब हो गया कि 20 साल का सवाल इसके अंदर रहता है, और दूसरा हो जाएगा एक्सपेक्टेड कि ऐसा सा सवाल आ सकता है। ठीक है, चौथा चीज होगा आपको नोट्स होंगे पीडीएफ में, पांचवा चीज होगा एडिशनल रीडिंग मटेरियल आपको पढ़ना होता है, ये भी रहेगा आपको, ये भी पीडीएफ में रहता है, और इसके अलावा आपको मॉक टेस्ट रहेगा 10 मॉक टेस्ट मल्टीप्लाई बाय 3, 3 पेपर हो गए तो 30 हो गए मॉक टेस्ट। ठीक है, इतना सब कुछ रहेगा। जो हमारा कोर्स था वो है फेस टू फेस वीडियो कोर्स, अगर आप CAIIB का कोई भी पेपर करिए, चाहे ABM हो, BFM हो, रिटेल बैंकिंग हो, कोई पेपर की मैं बात कर रहा हूं, उसका फीस है 1500 रुपए। ठीक है, अगर आप CAIIB का बहुत कंपलसरी पेपर जिसको हम बोलते हैं, यानी ABM प्लस BFM की अगर हम बात कर रहे हैं, तो इसका प्राइस है ₹2700। अगर आप CAIIB का ABM प्लस BFM प्लस रिटेल बैंकिंग करते हैं, इसका प्राइस है आपको ₹3500। ठीक है, ज्यादा जानकारी के लिए आप फोन भी कर सकते हैं, कॉल अस, नंबर है 4×9685127, दूसरा नंबर है 7827546946। आप वेबसाइट में जाके ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, ठीक है, हमारा वेबसाइट है www.JAIIBCAIIBstudymaterial.com। ठीक है, ईमेल आईडी हो गया SIDDSINHA123@gmail.com। ठीक है, थैंक यू।